वेलकम बैक टू वीडियो। गाइस आज की वीडियो के अंदर हम लोग अपनी GTA 5 के अंदर पाकिस्तानी फ्लैग्स को इंस्टॉल करेंगे। तो गाइस आप लोगों ने GTA 5 में देखा होगा कि बहुत से कंट्रीज के फ्लैग हैं लेकिन पाकिस्तान का मिसिंग था। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग अपनी GTA 5 के अंदर पाकिस्तान का फ्लैग इंस्टॉल करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते भी ब्राउजर की तरफ, मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग किस तरीके से उसको डाउनलोड कर सकते हो या इंस्टॉल कर सकते हो। चलते भी हम लोग अपने ब्राउजर की तरफ। तो ऑलराइट गाइस, अभी हम लोग अपने ब्राउजर की तरफ आ चुके हैं और ये हमारा मॉड है जिसका नाम है पाकिस्तानी फ्लैग पैक 1.0। इस मोड के अंदर आपको पाकिस्तानी फ्लैग्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको एक मॉन्स्टर ट्रक भी देखने को मिल जाता है जो कि ग्रीन और व्हाइट कलर में। आप लोग चाहो तो उसको भी इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन आज हम लोग सिर्फ फ्लैग इंस्टॉलेशन देखेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको ऐसे डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाकर इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड जैसे ही आप लोग कर लोगे तो ये आपका कुछ इस टाइप का मोड आ जाएगा। यहाँ पर ये रहा हमारा पाकिस्तान फ्लैग पैक। आप लोगों ने क्या करना है, इसको यहाँ से राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है फोल्डर के अंदर। यहाँ पर जैसे ही हमारा मोड एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर हमारा पाकिस्तानी फ्लैग है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आपको इसके लिए ओपन एवी की नीड होगी। अगर आपको नहीं पता कि ओपन एवी किस तरह इंस्टॉल होता है तो उसकी वीडियो आपको बटन में मिल जाएगी, आप लोग वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं भी अपना ओपन एवी स्टार्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर हम लोग अभी GTA 5 विंडोज पर सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हमारा ओपन एवी जो है स्टार्ट हो रहा है। जब तक आप लोगों ने क्या करना है, फ्लैग पैक का फोल्डर ओपन कर लेना है और यहाँ पर इसको एक साइड पर लगा देना है, दूसरी साइड पर ओपन एवी को रख लेना है। ओपन एवी को रखने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर एडिट मोड को इनेबल कर देना है और यहाँ पर सबसे नीचे आप लोगों ने X64 के सेक्शन में आ जाना है। X64 के सेक्शन में आपको एक फाइल दिखेगी X64C के अंदर आप लोगों ने आ जाना है। एक फोल्डर होगा यहाँ पर लेवल्स फोल्डर में आ जाना है GTA 5 और यहाँ पर आपको एक और फोल्डर दिखेगा यहाँ पर प्रॉप्स में आने के बाद आप लोगों ने बिल्डिंग्स फोल्डर में आ जाना है यहाँ पर बिल्डिंग में। और बिल्डिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर एक फाइल दिखेगी रेग पैकेज फाइल वी रूफटॉप, आप लोगों ने इस फाइल के अंदर आना है और यहाँ पर दूसरी साइड पर आप लोगों ने अपने फ्लैग पैक के फोल्डर में, पाकिस्तानी फ्लैग पैक फोल्डर में जाना है और यहाँ पर आपको इस वाले फोल्डर में आ जाना है रूफटॉप्स। आप लोगों ने इस रूफटॉप वाले फोल्डर में आना है और उसके अंदर जितनी भी फाइल्स है आप लोगों ने सारी फाइल्स को सिलेक्ट करना है, रीडमी फाइल को हटाकर। यहाँ पर रीडमी फाइल के अलावा सारी फाइल्स को सिलेक्ट करना है और अपनी GTA 5 के X64C के इस फोल्डर के अंदर ड्रैगन ड्रॉप कर देना है कुछ इस तरीके से। बस आप लोगों ने यहाँ से इधर से इधर ड्रैगन ड्रॉप कर देना है या आप लोग यहाँ से ऐड भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ऐड में जाके आप लोग फ्लैग पैक फोल्डर में जाओ, रूफटॉप में जाके यहाँ पर इन सारी फाइल्स को जो है ऐड कर दो कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर मैं भी आपको चेक करा देता हूँ, पाकिस्तान का फ्लैग यहाँ पर रिप्लेस हो चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा US का फ्लैग की जगह पाकिस्तान का फ्लैग आ गया कुछ इस तरह का। तो गाइस जो हमारी इंस्टॉलेशन थी कंप्लीट हो चुकी है। आप लोगों ने क्या करना है, एडिट मोड को डिसेबल कर देना है और यहाँ पर आप लोगों ने क्लोज कर देना है इसको। तो गाइस अभी हम लोग चलते हैं अपने गेम प्ले की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग किस तरीके से फ्लैग्स को स्पॉन कर सकते हो। तो ऑलराइट गाइस, अभी हम लोग अपने गेम प्ले की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने मेन्यू ओपन करना है, F8 प्रेस करके यहाँ पर आप लोगों ने ऑब्जेक्ट स्पूनर में जाना है, स्पॉन एंटिटी टू वर्ल्ड में जाना है, ऑब्जेक्ट्स में जाना है। सर्च में आने के बाद आप लोगों ने यहाँ टाइप करना है फ्लैग टाइप करने के बाद यहाँ पर फ्लैग सेट करने से पहले आप लोगों ने फ्लैग पोल सेट करना है। तो यहाँ पर नीचे करने के बाद हम लोग फ्लैग पोल सेट कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ ये आप लोग देख सकते हो हमारे फ्लैग पोल आ चुका है यहाँ पर। और इसकी हाइट एडजस्ट करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर मैनुअल प्लेसमेंट में आना है और यहाँ पर आप लोगों ने जेड एक्सेस से इसको डाउन करना है और यहाँ पर उसको नीचे करने के बाद आप लोगों ने दोबारा यहाँ पर मेन्यू में आना है और यहाँ पर ये हमारा फ्लैग US जो कि पाकिस्तान के फ्लैग से रिप्लेस हो चुका है और यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से आप लोगों ने उस पर सेट कर देना है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा जो पाकिस्तानी फ्लैग है यहाँ पर आ चुका है, आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो कि ये हवा में फुल तेज ले रहा है तो आप लोगों ने मेन्यू के अंदर अगेन आना है और यहाँ पर आप लोगों ने टाइम ऑप्शन में आना है, वेदर ऑप्शन में आना है। वेदर में आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर वाइंड स्पीड को फुल इंक्रीज कर देना है मैक्स। यहाँ पर मैक्स करने के बाद आपका जो फ्लैग है वो फुल स्पीड में लहराने लगेगा। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करो और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन भी दबाओ। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।